कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स पर डिस्कशन किया था और व्हाट इज द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्यों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के पीछे, ये हमने डिस्कस किया था। दो टाइप के पर्पसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपकी टॉप मैनेजमेंट होगी वो अकाउंट्स का मैनिपुलेशन करेगी। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि टू शो हायर प्रॉफिट, और सेकंड पर्पस हो सकता है टू शो लोअर प्रॉफिट। इसी के साथ किस तरीके से अकाउंट्स मैनिपुलेट किए जाते हैं इस पर हमारा डिस्कशन शुरू था कल। उसमें विंडो ड्रेसिंग का जो कंसेप्ट था वो हमारा डिस्कस करके हो चुका था, और जो बाकी के दो कॉन्सेप्ट्स थे कि सीक्रेट रिजर्व रखी जाती है हर एक बिजनेस में और स्टॉक का यूज किया जाता है, इधर स्टॉक को ओवर वैल्यू किया जाता है या स्टॉक को अंडर वैल्यू किया जाता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा दिखाए जाते हैं या कम दिखाए जाते हैं। तो ये जो दो डिस्कशंस थे ये बाकी थे, एक्चुअल में बाकी थे, मतलब मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, मैंने कहा था कि आप ये पढ़ लीजिए आपके मन से और इस पर एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, सीक्रेट रिजर्व्स को कौन एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से? यस सर मैं करूँ सर, बोलो। जो भी कंटिंजेंसी मतलब अपन कंटिंजेंसी जो भी रिजर्व करते हैं वो कंटिंजेंसी के लिए यूज ना करते हुए एक्स्ट्रा सरप्लस दिखाने के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज कर लेना। करेक्ट, ये एक ऐसा कर सकते हैं। और सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखो रिजर्व क्या होता है, पहले तो आपने रिजर्व सीखी होगी। जब कंपनी फाइनल अकाउंट करते हैं हम, तो आपका जो प्रॉफिट होता है उसमें से हर एक साल जो भी आपका प्रॉफिट होता है सर्टन अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सर्टन अमाउंट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट जो होती है वो रिजर्व को आप ट्रांसफर करते हो, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हो। जनरली 20-25% का जो भी आपका प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो आप हर साल रिजर्व को ट्रांसफर करते हो, और फिर बाकी का पैसा जो है वो आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो कंपनी फाइनल अकाउंट्स आपने सीखे होंगे उसमें इस तरीके के एडजस्टमेंट्स आपने की होगी। सीक्रेट रिजर्व मतलब क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है, पहले तो हम लिख लेते हैं इसका हेडिंग, लिख लेते हैं सीक्रेट रिजर्व। ये क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो ऑफ द बुक्स होता है। ऑफ द बुक्स मतलब ऐसा रिजर्व होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप नहीं दिखाते। बाकी के जो रिजर्व्स होते हैं जैसे जनरल रिजर्व्स वगैरह, वो आपके बैलेंस शीट में भी दिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके दिखते हैं वो, कि ये रिजर्व है बिजनेस के। हर साल बिजनेस कुछ ना कुछ पैसा निकाल के वो रिजर्व में जमा करता है। लेकिन सीक्रेट रिजर्व्स कैसे होते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखते ही नहीं है। उसका कोई हिसाब नहीं रहता। आप क्या करते हो कि हर साल कुछ कुछ पैसा जो है कुछ खर्चे ज्यादा दिखा के या कुछ एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के या कुछ रिसीट इनकम की रिसीट कम दिखा के, वो जो एक्स्ट्रा का पैसा होता है वो आप बुक्स में से बाहर निकाल के एक सीक्रेट रिजर्व में रखते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये पैसा नहीं होता, ये पैसा जो है ये अलग से होता है आपके पास, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को पता होता है कि हमारे पास इतना पैसा जो है वो सीक्रेट रिजर्व में। तो ये जो सीक्रेट रिजर्व का पैसा रहता है, ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है ये अपने लिए साइड पे रखती है, कंपनी में से धीरे धीरे ये पैसा निकाल के अपने लिए साइड पे रखती है, या कभी कभी अगर कंपनी का एकदम से ज्यादा प्रॉफिट दिखाने का टाइम आया कि इमीडिएटली प्रॉफिट अच्छा दिखाना है कंपनी को, तो उस टाइम पे ये जो सीक्रेट रिजर्व में जमा हुआ पैसा रहता है वो ऐसा कोई बड़ा सेल दिखा के या कोई बड़ा इनकम दिखा के वो पैसा जो है वो बिजनेस में लाया जाता है, और ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। ये कहीं पे भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखते, ये आपको पता होता है कि आपके पास ये पैसा है लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखते। एक तरीके से ये अलग पैरेलल जो आपकी बुक होती है अलग से। देखिए बहुत सारे जो लोग यहाँ पे बिजनेस फैमिली से हो गए या बिजनेस का जिनको एक्सपीरियंस होगा,
उनको ये पता होता है कि दो टाइप की बुक्स मेंटेन करते हैं बहुत सारे बिजनेसमैन, एक कच्चे व्यवहार रहते हैं और एक पक्के व्यवहार रहते हैं, पता है क्या? या जब भी आप बुक्स बेच बुक्स मेंटेन करते हो तब जो बिजनेसमैन होते हैं वो दो टाइप की बुक्स मेंटेन करते हैं, कच्चे बुक्स और पक्के बुक्स। पक्के बुक्स मतलब क्या होता है, जिसमें फाइनल अकाउंटिंग के जो चीज़ हमको दिखानी है गवर्नमेंट को और जिस पे टैक्स पे करना है, उतनी ही इनकम और उतनी ही एक्सपेंडिचर आप दिखाते हो पक्के बुक्स में, ओके। और कच्चे बुक्स में जो होता है वो बाकी की सब इनकम भी रहती है, ऐसी बहुत सारी इनकम होती है जो आप रिकॉर्ड नहीं करते टैक्स बचाने के लिए, आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। कुछ सेल ऐसा होगा जो आपने, जिसका आपने बिल ही नहीं बनाया होगा, डायरेक्ट कैश में बेच दिया होगा, ओके। बिल नहीं बनाया होगा तो उसके एंट्री भी नहीं करोगे, उस पर टैक्स भी नहीं पे करोगे। तो ऐसे सेल से होने वाली जो इनकम रहेगी वो कहाँ पे जाती है, आपकी सीक्रेट रिजर्व में जाती है। और ये सीक्रेट रिजर्व जो है ये बाद में किसी टाइम अगर कम प्रॉफिट है या आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बढ़ाने की जरूरत हो रही है वो टाइम पे आप सीक्रेट रिजर्व का यूज करते हो आपके बिजनेस में, ओके। सो ये एक तरीका है विंडो ड्रेसिंग का। उसके बाद थर्ड जो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का है वो स्टॉक है, ओके। स्टॉक जो होता है वो स्टॉक तीन टाइप का होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स, इसको हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और तीसरा क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स, ओके। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसके पास ये तीनों टाइप के स्टॉक होंगे। कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा, मतलब जिसको हम कहते हैं कि कच्चा सामान जिसकी मदद से आपको प्रोडक्शन करना है। कुछ ना कुछ सेमी फिनिश गुड्स होगा, मतलब आधा प्रोडक्शन उस पर हो चुका है लेकिन पूरी तरह गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुए। और तीसरा होगा फिनिश गुड्स, ओके। तो ये जो भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल्स होगी या फिनिश गुड्स होगी, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखती है और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपके बैलेंस शीट में भी दिखता है। आप अगर स्टॉक को अंडर वैल्यू करो या ओवर वैल्यू करते हो तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स पे गिरता है, ओके। आपके जो स्टॉक है उसको जब भी आप ओवर वैल्यू करते हो या अंडर वैल्यू करते हो तो उसका सीधा इम्पैक्ट किस चीज़ पे गिरता है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स पे। जैसे कि कल ही हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप आपके स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो, ओके, अगर आप आपके स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो, मतलब आप आपके स्टॉक को कम वैल्यू पे दिखाते हो, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ओके। और अगर आप आपके स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को आप अगर ओवर वैल्यू दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आप आपके ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू दिखाते हो, कम वैल्यू पे दिखाते हो, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और ओपनिंग स्टॉक को अगर ओवर वैल्यूड दिखाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों, उल्टा क्यों बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक के और क्लोजिंग स्टॉक के लिए उल्टी एडजस्टमेंट क्यों होती है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट साइड पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, ओके। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन करते हो तो उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट जो रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक के अकाउंटिंग इम्पैक्ट से उल्टा रहेगा। एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कल हमने एग्जाम्पल लिया ही था, फिर से एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके, और यहाँ पे मेरा ओपनिंग स्टॉक है परचेसेस एक्सपेंसेस, ऐसी तीन चीजें डेबिट साइड पर है और क्रेडिट साइड पर है सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, जैसे परचेसेस में दिखाता हूं 1000 पे और एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं अगेन 1000 पे, सेल्स हम दिखाते हैं 5000 पे और ओपनिंग स्टॉक हम दिखाते हैं
1000 पे। ओके, अब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करते हुए प्रॉफिट कैसे चेंज होगा? अब यहां पे अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका 1000 है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, देखिए कितना आता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आएगा 3000 रुपए। समझ में आ रहा है ये कैसे आएगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 3000 रुपए अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 है तो। अगर आप अभी यहाँ पे सोचते हो कि नहीं, हम क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा का वैल्यू चेंज करते हो, आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है, तो आप क्या करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे आप उसको लिखते हो। मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 रुपए की नहीं है, मार्केट वैल्यू जो है वो, एक मिनट, सर सपोज मार्केट वैल्यू जो है वो 1500 की है। ओके, 500 रुपए से ज्यादा आपने उसको दिखा दिया, तो यहाँ पे अभी ये हो जाएगा 6500, यहाँ की भी टोटल हो जाएगी 6500 और ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ के हो जाएगा 3500। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट जो वैल्यूएशन मेथड था स्टॉक का, आप ने कॉस्ट पे ना वैल्यू करते हुए स्टॉक को किस पे वैल्यू किया, मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया, जिससे क्या हो गया, आपने आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दिया। ओके, वैसे ही आप एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक में भी कर सकते हो। अगर आपको अभी प्रॉफिट कम दिखाना है, ओके, आपको अगर अपना प्रॉफिट कम दिखाना है तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक जो 1000 का था, कॉस्ट वैल्यू पे था, आपने उसको 1000 पे ना दिखाते हुए 2000 पे दिखा दिया मार्केट वैल्यू पे। ओके, तो अब यहाँ का इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि टोटल तो ये 6000 ही रहेगी, ये भी टोटल 6000 रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर है ये 3000 का ना होते हुए अब कितना हो जाएगा, कौन बताएगा कितना हो जाएगा अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, 2000 का हो जाएगा। 2000 मतलब ओपनिंग स्टॉक को अगर हम ओवर वैल्यू करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो ये एक तरीका है विंडो ड्रेसिंग का, आप स्टॉक को, ओपनिंग हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उसको आप ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू अगर करते हो तो आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है उस पर उसका इम्पैक्ट गिरता है। आप आपके प्रॉफिट को एक तो इन्फ्लेट कर सकते हो, ज़्यादा बता सकते हो, या तो फिर आप आपके बिजनेस के प्रॉफिट को सप्रेस कर सकते हो, कम बता सकते हो। ओके, तो काफ़ी इजी है ये। ये जो पूरा के पूरा हमने अभी डिस्कस किया, ये थे मैनर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, एक आप विंडो ड्रेसिंग कीजिए, सेकंड सीक्रेट रिजर्व्स बनाइए आपके बिजनेस में, थर्ड स्टॉक की जो आइटम्स है आपके बिजनेस की उनको ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू कीजिए, जिससे आपको आपका प्रॉफिट की फिगर जो है वो चेंज करते आएगी। ओके, तो जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो इन तीनों मेथड्स में से कोई ना कोई एक मेथड को फॉलो कर सकती है अपने बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को आइदर ज़्यादा दिखाने के लिए या कम दिखाने के लिए। ऑडिटर का काम होता है कि ऑडिट को डिटेल में ध्यान से इस तरीके से करे कि कोई भी मैनिपुलेशन अगर अकाउंट्स का हुआ है तो वो सामने आ सके। ओके, तो ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग के टाइम पे पूरी ट्राई करता है कि वो सभी टाइप के मैनिपुलेशन या जो भी फ्रॉड हुए हैं उसको ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करे, और ये ऑडिटर की ड्यूटीज में से एक होता है। तो यहाँ पे हमारा मैनर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमको इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जो शुरू करना है वो होता है ऑडिट सैंपलिंग। ओके, ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है ये पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सैंपल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता पाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल? सैंपल मतलब वो होता है ना सर, जो अपन सेलिंग के लिए अपन पहले सैंपल देते हैं, फिर उसके बाद वो सैंपल यूज करने का उनको समझता है फिर ये हमारे लिए अच्छा है क्या क्या बुरा है। करेक्ट, देखो सैंपल कैसा होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी आपने जो बताया सैंपल का मीनिंग वो 100% करेक्ट है, सैंपल का यही मीनिंग होता है। सैंपल मतलब ऐसी चीज जो
अपने जैसी ही एक लार्जर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है. ओके जैसे कि आप जो आपका पूरा क्लास है, सपोज आपका जो टीवाई बीकॉम का क्लास है उसमें 350 स्टूडेंट्स है. ओके और आप 350 स्टूडेंट्स में से आप क्या करते हो कि 10-15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाते हो जो आपकी पूरी के पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. आप मतलब कोई भी आपकी क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो कि आपके वो 10-15 स्टूडेंट्स के ग्रुप को बताते हो और वो 10-15 स्टूडेंट्स के जो ग्रुप का होगा सैंपल वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे लेके जाते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं. ओके एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपका अभी आपने एग्जांपल दिया, सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ. ओके और मेरा जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है. ओके और रेडीमेड गारमेंट्स में मैं जो गारमेंट्स बेचने वाले दूसरे सप्लायर्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट करता हूँ कि भाई मुझे सो एंड सो टाइप का आपके पास से कपड़ा जो है वो चाहिए. ओके तो वो गारमेंट वाले सबसे पहले मुझे क्या बोलेंगे कि सर आपको किस टाइप का कपड़ा चाहिए उसका हमको आप सैंपल दीजिए, क्योंकि आप जो फोन पे बोल रहे हो हमको नहीं समझ में आ रहा. तो मुझे जिस भी टाइप का कपड़ा चाहिए, सपोज मैं रेडीमेड गारमेंट्स का सेलर हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का कॉटन का कपड़ा चाहिए मेरी शॉप में, तो मैं उस कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा काट के, ठीक है, ऐसा बड़ा बक्सा बेच के नहीं दूंगा मैं वो जो सैंपल के तौर पे क्या दूंगा, एक छोटा सा टुकड़ा उस कपड़े का मैं कुरियर से भेजूंगा सप्लायर को. उसको बोलूंगा भाई इस टाइप का कपड़ा मुझको चाहिए. ओके तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या भेजा है सामने वाले को, सैंपल भेजा है. ओके सैंपल. और बेस्ड ऑन दैट सैंपल उसने अगर मुझे वैसा कपड़ा का फिर से नमूना दिखाया, ऐसा सैंपल दिखाया कि ये आपका सैंपल है सर, इस टाइप का कपड़ा आपको चाहिए क्या, और बेस्ड ऑन दैट सैंपल मैं उसको कहूंगा हाँ ठीक है ये आपने जो भेजा है ये बराबर है, इसके जैसा ही एक पूरा ट्रक भर के कपड़ा मुझको भेज दीजिए. तो यहाँ पे जो एक पूरा ट्रक भर के कपड़ा मेरे पास आने वाला है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसका सैंपल क्या है, तो मेरे पास जो छोटा कपड़ा आया हुआ है सैंपल के तौर में उसके जैसा ही वो पूरा ट्रक भर के जो सामान आएगा वो उसके जैसा ही होगा. ओके उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो छोटा टुकड़ा है कपड़े का ये एक सैंपल है और ये पूरे के पूरे ट्रक भर के जो मैं सामान मंगा रहा हूं उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके जैसा ही है. मतलब ये कपड़ा मैंने देख लिया और ट्रक भर के सामान भर के जो कपड़ा आया वो जो है वो सेम रहेगा. अगर ये कपड़ा बराबर है तो ट्रक भर के जो सामान आएगा वो भी बराबर ही होगा. तो ये प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, ये इसको मैं कहता हूँ सैंपल और सैंपलिंग. ओके तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑडिटिंग के हिसाब से, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जनरल एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी लीडिंग बैंक, लेट अस से व्हाट वी विल टेक, कोई भी एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल. ओके सबको पता है ना पंजाब नेशनल बैंक एक बड़ा बैंक है बहुत, और काफी उनके जो है वो ब्रांचेस है. ओके कुछ क्वेश्चन है क्या, एक मिनट. ओके तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक लिया, कोई भी एक्स वाई जेड, आपको जो बैंक अज्यूम करना है वो बैंक आप अज्यूम कीजिए. एक उसका ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक का, और यहाँ पे एक ब्रांच में दिन भर में लेट अस से कि 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके 100 तो नहीं होते होंगे, ज्यादा ही होते होंगे, लेकिन हम सो एवरेज निकालते हैं कि भाई लेट अस से रोज के 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं पंजाब नेशनल बैंक में. और पंजाब नेशनल बैंक के लेट अस से कि 3000 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में. ओके पीएनबी की पूरे इंडिया में 3000 ब्रांचेस है जहां पे रोज के कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, सब जगह पे सपोज रोज के 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं. ओके तो हर एक ब्रांच में अगर 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो रोज 3000 ब्रांचेस में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, रोज कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे, 3000 × 100 मतलब 3 लाख ट्रांजैक्शन रोज होते होंगे. 3 लाख. ओके अब पूरे साल भर में लेट अस से कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन तो कोई भी बैंक खुला नहीं रहेगा, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि 300 दिन बैंक खुला है.
तो एक दिन में 3 लाख ट्रांजैक्शन, मतलब 300 दिन में कितने ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उनके? 90 करोड़, नहीं, सॉरी, 9 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। ओके, 9 करोड़। हाँ, 9 करोड़। उनके कितने ट्रांजैक्शंस हुए होंगे? 9 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए होंगे। नौ मतलब करोड़ एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल भर में बैंक के कितने ट्रांजैक्शन हुए? तो भाई 9 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। अब बैंक साल खत्म हो गया और अभी बैंक कहती है कि ठीक है, अभी हम हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाएंगे, और आप एक ऑडिटर हो और बैंक आपके पास आके कहती है कि ठीक है सर, आपको हमारी बैंक का ऑडिट करना है। ओके, हमारी 3,000 ब्रांचेस है और इतने इतने ट्रांजैक्शंस हुए, आप इनको चेक करके बताइए कि सब ट्रांजैक्शंस बराबर से हुए हैं या नहीं। तो आप एज एन ऑडिटर, ओके, आपको पूरा साल नहीं लेना ऑडिट करने के लिए, आपको 15 से 20 दिन के अंदर ऑडिट खत्म करना होता है। 15 से 20 दिन के अंदर आप 100 लोगों की भी अगर टीम लगा लोगे ना, तो भी 9 करोड़ ट्रांजैक्शन आपसे चेक नहीं होंगे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कर पाओगे क्या 9 करोड़ ट्रांजैक्शन चेक 15 दिन में? नो सर, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाओगे। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, पूरे के पूरे बैंक का एक ही पर्सन ऑडिट नहीं करता, ये सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 9 करोड़ ट्रांजैक्शंस एक पर्सन या एक पर्सन की जो टीम रहेगी, कुछ 10-15 लोगों की जो टीम रहेगी आपके ऑडिट की, वो पूरी टीम 15 या 20 दिन में पूरा चेकिंग नहीं कर सकती, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करोगे फिर आप? ऑडिट करना छोड़ दोगे क्या, या ऑडिट छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, इसको हम लोग ऑडिट नहीं करते, किसी और के पास चले जाओ, ऐसा कहता है क्या कोई ऑडिटर? नहीं। यहाँ पे ऑडिटर जो होगा वो क्या करेगा, डिटेल में चेक नहीं करेगा ट्रांजैक्शंस को, हर एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सैम्पलिंग मेथड यूज करेगा। ओके, सैम्पलिंग मेथड में वो क्या करेगा कि ठीक है, हर 100 ट्रांजैक्शन में से कोई भी 5 ट्रांजैक्शन हम चेक करेंगे। ओके, इस तरीके से वो चेकिंग करेगा कि भाई हर 100 ट्रांजैक्शन में से, पूरे ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेंगे, 5% ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, मतलब हर 100 में से 5 ट्रांजैक्शन चेक करेंगे। मतलब अगर 9 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, ओके, आपके अगर 9 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो वो 5% के हिसाब से कितने चेक करेगा? फिर भी 45 लाख ट्रांजैक्शन आता है। ओके, लेकिन वो इस तरीके से चेक करेगा, 45 लाख ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं चेक, अगर 15-20 लोग बैठे हो, फिर भी 45 लाख ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो सकते चेक। लेकिन ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऑडिटर जो है वो यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड करेगा। सैम्पलिंग में वो क्या करेगा कि सभी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस को डिटेल में चेक करेगा, और अगर उन कुछ ट्रांजैक्शंस में उसको कोई भी गलती नहीं नजर आती, कोई भी मिस्टेक नहीं नजर आती, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है, मैंने 100 में से 5 ट्रांजैक्शंस चेक किए थे, उसमें मुझे कोई गलती नहीं नजर आई, तो इसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि बाकी के 95 ट्रांजैक्शंस भी बराबर ही होंगे। ओके, मेरा वर्डिंग ध्यान से देखो, उसने क्या कहा यहाँ पे, ऑडिटर ने पूरे ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए, ऑडिटर ने क्या किया, 100 में से 5 ही ट्रांजैक्शंस चेक किए। ओके, उसने क्या मैं यूज किया, टेस्ट चेकिंग यूज किया। ओके, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, देखो मैंने, टेस्ट चेकिंग, ओके, सैंपल सेलेक्ट किया कि 100 में से 5 ट्रांजैक्शंस चेक करूंगा, और बेस्ड ऑन दैट उसने टेस्ट चेकिंग की। ओके, तो टेस्ट चेकिंग में उसने सभी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए, कुछ ट्रांजैक्शंस चेक किए, और वो कुछ ट्रांजैक्शंस चेक करने पे के बाद वो एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचा है, एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा है कि भाई ठीक है, मैंने जितने ट्रांजैक्शंस चेक किए उसमें तो मुझे कोई गलती नहीं लगी। इसका मतलब ये है कि मैंने जो ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए वो भी बराबर ही हो गए। ओके, बराबर ही हो गए। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि ऑडिटर क्या देता है, अपना ओपिनियन देता है। ओके, यहाँ पे उसने पूरा डिटेल में चेक किया है क्या अकाउंट? पूरा डिटेल में चेक नहीं किया, उसने हमेशा, ऑडिटर जो है हमेशा टेस्ट चेकिंग करता है, और टेस्ट चेकिंग में वो कुछ ट्रांजैक्शंस चेक करेगा, बाकी के ट्रांजैक्शंस पे अपना ओपिनियन देगा कि भाई मैंने जितने ट्रांजैक्शंस चेक किए थे वो बराबर थे, उसके हिसाब से बाकी के ट्रांजैक्शंस भी जो है वो बराबर ही हो गए। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है
कि डिटेल्ड में एग्जामिनेशन ना करते हुए, किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का डिटेल में एग्जामिनेशन ना करते हुए ऑडिटर जो है वो टेस्ट बेसिस पे वो ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, और टेस्ट बेसिस पे चेक करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशंस जो है वो देता है, अपना ऑडिट ओपिनियन देता है. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट विच वी विल डिस्कस इज द पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या, कि ऑडिट सैम्पलिंग क्यों की जाती है, व्हाट इज द रीजन कि ऑडिटर जो है वो पूरी तरह ट्रांजैक्शंस को चेक ना करते हुए ऑडिट सैम्पलिंग करता है. ओके और ऑडिट सैम्पलिंग से उसका काम किस तरीके से कम होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे आज के डिस्कशन में. ये हमारा फाइनल टॉपिक रहेगा, पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. ओके आप कोई भी टाइप का ऑडिट करो, ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम टाइप्स ऑफ ऑडिट ही पढ़ेंगे. फाइनेंशियल ऑडिट करो, या आप इंटरनल ऑडिट करो, या स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, बहुत सारे दूसरे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स होते हैं. कोई भी टाइप का आप ऑडिट करो, आपको ऑडिट सैम्पलिंग जो है उसका यूज करना ही पड़ेगा. ऐसा क्यों होता है कि आजकल जितने भी मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस है वो साइज में इतने बड़े हो चुके हैं, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतने सारे हो चुके हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को आप डिटेल में चेक करना किसी भी ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होगा. ओके तो ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को जो है वो ऑडिट सैम्पलिंग की मदद लेनी ही पड़ती है. इतना ज़रूरी हो गया ऑडिट सैम्पलिंग कि जैसे अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आपने सीखे भी होंगे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि अकाउंटिंग करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज से रिलेटेड, या कुछ अकाउंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है जो अकाउंटिंग के टाइम पे आपको फॉलो करनी होती है. और ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दी गई है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या IFRS हो, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ डील करते हैं. वैसे ही ऑडिट करने के भी कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रिलीज किए हैं. आजकल उसको स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस SAPs कहते हैं. तो ऑडिट सैम्पलिंग जो है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. एक स्पेसिफिक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो ऑडिट सैम्पलिंग के साथ डील करता है, किस तरह से सैम्पल सिलेक्ट होना चाहिए, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ऑडिटर ने सैम्पलिंग यूज़ का, ऑडिट सैम्पलिंग की हेल्प से किस तरह से ऑडिट करना चाहिए, ये सब उस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा गया है. ओके तो यहाँ पे कुछ पर्पसेस होते हैं जिसकी जिसको हम कहेंगे कि वाई ऑडिट सैम्पलिंग इज यूज इन ऑडिटिंग, या हाउ ऑडिट सैम्पलिंग विल हेल्प इन ऑडिटर इन कम्प्लीटिंग इज ऑडिट. ऑडिट पूरा करने में ऑडिट सैम्पलिंग किस तरीके से हेल्प करेगा ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. कि पहला है टू गैदर ऑडिट एविडेंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड ऑडिट ओपिनियन. ओके ऑडिट एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है सबूत. ओके ऑडिटर को क्या करना होता है, ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है. ओके ओपिनियन मतलब, ओपिनियन क्या होता है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया. ओके पूरी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया, और उसको चेक करने के बाद वो अपना ओपिनियन देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही सही पोजिशन दिखा रहे या नहीं बिजनेस की. तो ये जो ओपिनियन देने का काम है, ये ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर को कुछ ना कुछ एविडेंस लगेगी. ओके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस लगेगी. एविडेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड रिलेशन में एविडेंस मतलब जो बिल्स हो गए, जो इनवॉइसिस हो गए, जो वाउचर्स होंगे आपके पास. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे परचेसेस चेक करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, परचेस बुक चेक करनी है, तो परचेस बुक को चेक करते वक्त मैं परचेस का जो हमारे पास परचेसेस के बिल हो गए, हमने जो भी चीज़ परचेस की होंगी उसका बिल होगा ना अपने पास, तो वो बिल के साथ परचेसेस को चेक करूँगा कि जितना अमाउंट बिल में था उतना ही अमाउंट हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डाला है या नहीं, प्रॉपर तारीख में रिकॉर्ड्स डाले हैं या नहीं, सो ऑन. ओके
तो ये ऑडिट एविडेंस गैदर करने में ऑडिटर को सैम्पलिंग जो है वो मदद करता है। कैसे मदद करता है कि सैम्पलिंग में हम सभी के सभी ऑडिट एविडेंस नहीं गैदर करेंगे, यहाँ पे हम लिमिटेड चेकिंग करने वाले हैं, तो लिमिटेड ऑडिट एविडेंस आपको गैदर करना है एंड बेस्ड ऑन दैट लिमिटेड ऑडिट एविडेंस आपको आपका ऑडिट ओपिनियन कंक्लूड करना है। ओके, तो ऑडिट सैम्पलिंग जो है वो एक लिमिटेड एविडेंस गैदर करके ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने में, अपना ओपिनियन कंक्लूड करने में हेल्प करती है। वैसे ही सेकेंड पर्पस है सैम्पलिंग का कि इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ द ऑडिटर। ओके, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया कि सैम्पलिंग में सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन का सैम्पलिंग चल रहा है जिसमें ऑडिटर डिसाइड करता है कि वो हर 100 ट्रांजैक्शंस में से 5 ट्रांजैक्शन चेक करेगा। हर 100 में से कितने ट्रांजैक्शंस चेक करेगा? 5 ट्रांजैक्शंस चेक करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑडिटर का काम क्या हो रहा है? ऑडिटर का काम कम हो रहा है। ये सर नो, ऑडिटर का काम क्या हो रहा है यहाँ पे? कम हो रहा है कि पहले उसको जहाँ पे 100 ट्रांजैक्शंस चेक करने थे वहां पे अभी इसको कितने ट्रांजैक्शंस चेक करने पड़ रहे हैं? सिर्फ 5 ही ट्रांजैक्शंस चेक करने पड़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली ऑडिटर का काम यहाँ पे क्या हो रहा है? एकदम से कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। लेकिन सिर्फ ऑडिटर का काम कम हो रहा है लेकिन ओपिनियन पे तो आ ही रहा है, वो कंक्लूजन पे तो आ ही रहा है। ओके, 5 ट्रांजैक्शंस चेक करके भी ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सकता है। उसके ओपिनियन में वो ऐसा लिखेगा कि ठीक है, मैंने ऑडिट सैम्पलिंग यूज की, सभी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए, हर 100 ट्रांजैक्शंस में मैंने 5 ट्रांजैक्शंस चेक किए, उन 5ों ट्रांजैक्शंस में मुझे कोई भी गलती नहीं नजर आई जिस पर से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि बाकी के ट्रांजैक्शंस भी बराबर ही हो गए। इस तरीके से ऑडिटर जो है वो अपने कंक्लूजन पे आ रहा है सैंपलिंग का यूज करते हुए, कम काम करना पड़ रहा है उसको। ओके, थर्ड है टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिटर टू कंक्लूड हिज ऑडिट ओपिनियन। अभी मैंने आखिरी जो सेंटेंस पढ़ा ना वो बेसिस कहलाया जाता है कि कुछ ना कुछ बेसिस रहेगा ना। जैसे मैंने 100 में से 5 ट्रांजेक्शन चेक किए, ये मेरा बेसिस है कि बेस्ड ऑन वॉट मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, किस चीज के आधार पे, किस चीज के बेस पे मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। तो इस चीज के बेस पे मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई मैंने जितने भी ट्रांजैक्शंस चेक किए उसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आई, इसका मतलब ये है कि बाकी भी कोई गलती नहीं होगी। ओके, तो ये क्या हुआ? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिटर टू रीच अ कंक्लूजन। फोर्थ, टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ एरर और फ्रॉड that could happen in the company as well as financial statements. Financial statements में अगर कोई error हुई है या कोई fraud हुई है तो उसको ढूंढने में sampling जो है वो मदद करती है। Okay, अब यहाँ पे मेरे wordings ध्यान से देखो, sampling जो है वो मदद करती है ढूंढने में। हमेशा सभी टाइप के errors या fraud आप detect कर पाओगे ये जरूरी नहीं है। Okay, अगर आपको 100% गारंटी चाहिए कि कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं हुआ है और आपको फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करने ही है तो आपको फिर सैम्पलिंग यूज नहीं करना, आपको 100% चेकिंग यूज करना है। ओके, जब तक आप 100% चेकिंग यूज नहीं करोगे तब तक सभी फ्रॉड या एरर आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग यूज करने पर आपको क्या मिलता है? एक रीजनेबल अश्योरेंस। ओके, ये वर्ड लिख लो, ये वर्ड आगे बहुत जगह पे काम में आने वाला है, ये सब ऑडिटिंग टर्मिनोलॉजीज है। रीजनेबल अश्योरेंस, ऑडिटर को एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलता है कि ठीक है मैंने जितने ट्रांजैक्शंस चेक किए उसमें तो कोई गलती नजर नहीं आई, तो ये एक रीजनेबल अश्योरेंस है कि बाकी के ट्रांजैक्शंस भी जो होंगे वो बराबर ही होंगे। ओके, यहाँ पे आप रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हो, 100% एकदम, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई एकदम मेरी गारंटी ले लो कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, ऐसा ऑडिटर नहीं बोलेगा कभी भी क्योंकि उसने यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शंस चेक नहीं किए हैं। ओके, उसके बाद टू प्रूव दैट द ऑडिटर्स हैव डन देयर जॉब बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक ऑडिट स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से ऑडिटर जो है वो सैम्पलिंग के सैंपल को सिलेक्ट करेगा, किस तरीके से सैंपलिंग को यूज करके ऑडिट करेगा। ओके, तो अगर ऑडिटर ने प्रॉपरली उस ऑडिट स्टैंडर्ड को फॉलो किया है
तो वो ऑडिटर जो है वो अपना जॉब जो है उसने बराबर से किया है, ओके क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही कहता है कि कोई भी ऑडिटर जो होगा वो डिटेल में चेक नहीं करेगा ट्रांजैक्शंस, हर एक ऑडिटर ने सैम्पलिंग से ही ऑडिट करना है। तो अगर ऑडिटर ने प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है तो उन्होंने वो काम बराबर से किया, इस पे प्रूफ होता है। और फाइनली टू यूज एज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन हमने पहले भी पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग इज डिफरेंट। इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो डिटेल चेक होता है, ओके और ऑडिटिंग जो होता है वो टेस्ट बेसिस पे चेक होता है। तो आपका जो ऑडिटिंग है, आपने जो ऑडिटिंग किया है, इट कैन बी यूज एज अ टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जब आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करोगे, एट दैट टाइम आप आपके ऑडिटर का रिपोर्ट जो है वो कंसिडरेशन में ले सकते हो कि भाई पिछले बार ऑडिटर ने जो ऑडिट किया था उसमें उसने कौन से ट्रांजेक्शन चेक किए थे, उसने जो ट्रांजेक्शन चेक किए थे उसमें कोई एरर निकला था क्या। अगर कोई एरर नहीं निकला था तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट है इट कैन सर्व एज अ टूल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। ओके सो दिस आर ऑल द पर्पसेस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। कि ऑडिट सैम्पलिंग क्यों की जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑडिट सैम्पलिंग। आपको अगर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आ सकता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन ऑडिट सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, या इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ऑडिट सैम्पलिंग एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैम्पल सिलेक्शन। तो जो मेथड्स ऑफ सैम्पल सिलेक्शन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ पर्पस ऑफ सैम्पल सिलेक्शन डिस्कस किया है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो मेथड ऑफ सैम्पल सिलेक्शन है वो फिनिश होता है, और चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 2 में एक पॉइंट हमारा रह गया है, वो पॉइंट है आपको मैंने नोट्स दी है, नोट्स सबके पास आ गई होगी, उसमें ऑडिटर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। ओके तो वो पॉइंट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे मीन्स ये मेथड ऑफ ऑडिटिंग खत्म हो जाए उसके बाद हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके और सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे।